हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डिफिनेशन है जो हमें जाननी चाहिए। तो आइए कुछ बेसिक डिफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं। जैसे पहला डिफिनेशन हमारा पॉइंट। पॉइंट्स क्या चीज है? ए पॉइंट इन ए ज्योमेट्री इज ए लोकेशन, इट हैज नो लेंथ नो विड्थ। जो पॉइंट है ये जनरली एक लोकेशन है, एक लोकेशन को डिनोट करने के लिए। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई विड्थ है, ना ही कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट को डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या चीज है? ए लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट वाया शॉर्टेस्ट पाथ एंड कंटिन्यू इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या चीज है? ऐसी लाइन है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और वो इनफाइनाइटली चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। वो लाइन जो है वो है हमारी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम देखें तो हमारी रे क्या चीज है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। रे क्या है? रे भी एक लाइन का पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होती है लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं है, इसलिए ये रे। रे के बाद अगर हम बात करें तो वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज है? द पार्ट ऑफ द लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या है? जो लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसा कि हमने रे में देखा था इसका एक एंड पॉइंट था, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है इसके दो एंड पॉइंट है। ये हमारे हो गए लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन। तो एक डेफिनेशन में हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या चीज है? लाइन ड्रॉन इन ए प्लेन व्हिच डू नॉट कट ईच अदर अप टू इनफाइनाइटली। इसका मतलब क्या है? किसी प्लेन में भी हम कोई कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दे जिसको हम इनफाइनाइट तक ले जाए। जैसा मैं देख रहे हैं हमने तीन लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको हम कहीं भी अगर खींच के ले जाए सीधी या इधर या उधर, ये कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं भी ये लाइन खुद को कट नहीं करेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? पैरेलल लाइंस। इसके आगे देखिए छठा पॉइंट, तो वो है हमारे क्या? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या चीज है? लाइंस व्हिच कट ईच अदर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें क्या हमें पता चला है? दो लाइंस या फिर दो से ज्यादा लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, 90 डिग्री के एंगल पे अगर कट करती है, तो वो है क्या हमारी? परपेंडिकुलर लाइन। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दो लाइन है, ये तो एक दूसरे कट कर रही है इसपे 90 डिग्री पे, तो ये क्या है हमारी? परपेंडिकुलर लाइन। इसके बाद एक और आती है डेफिनेशन, क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या है? लाइन व्हिच कट ईच अदर एट सम एंगल आर कॉल्ड क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या चीज है? कोई भी लाइन अगर एक दूसरे को किसी भी एंगल पे कट कर रही है, चाहे वो कोई सा भी एंगल हो, वो होती है क्रॉस लाइन। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दो लाइन ऐसे जा रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, कोई ए एंगल मान लेते हैं वहां कट कर रही है, तो ये क्या है? क्रॉस लाइन। डिफिनेशन आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जो हमारी आठवीं डिफिनेशन है वो है एंगल। एंगल के बारे में, एंगल क्या चीज है? एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? टू रे इज अ कॉमन इन पॉइंट फॉर एन एंगल एंड दैट कॉमन इन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एंगल है क्या? दो रे किसी कॉमन इंड पॉइंट में अगर मिलती है तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और उस जो कॉमन पॉइंट क्या कहते हैं? उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। जैसे हम देखें तो ये हमारी जो दो रे है वो इस पॉइंट को क्या मिल रही है, तो ये जो पॉइंट मिलने के बाद ये जो है यही हमारा एंगल बनता है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉमन इंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और एंगल कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। पहला एंगल है हमारा जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या चीज है? एन एंगल में जो मेजर ऑफ जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। वो एंगल जिसका मेजर है जीरो डिग्री, या फिर जो एंगल जीरो डिग्री का है उसे हम जीरो एंगल कहते हैं। देखिए जैसे ये जो एंगल है, हमारे जो दोनों रे हैं वो एक ही पे हैं, दोनों रे एक ही पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे क्या? जीरो एंगल कहेंगे। अब दूसरे एंगल की बात करें तो वो है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? एन एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का है, या फिर दो रे के बाद 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है, तो वो बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? हमारा राइट एंगल। जैसे ये जो दो रे हमारी जा रही है ये हमारी 90 डिग्री का एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे क्या? राइट एंगल। तीसरे एंगल की बात करें तो वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या चीज है? एन एंगल व्हिच लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वो एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं वो सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। जैसे ये एंगल है हमारा, ये जो दो रे के साथ एंगल हमारा बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, तो
इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या चीज है, ऑब्ट्यूज एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एन एंगल व्हिच लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री आर ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ऐसे एंगल जो 90 और 180 के बीच में आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये जो हमारा एंगल है 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। इसके बाद हम देखिए तो हमारा आता है पांचवा और लास्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, एन एंगल इन स्ट्रेट एंगल इफ इट्स मेजर इज 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे ये जो हमारा एंगल है, ये जो बना हुआ है ये 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है दो रे के बीच में, तो वो हमारा क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद हम देखिए तो कुछ एंगल्स आते हैं जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में। जैसा कि पहला है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या चीज है, ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मतलब जो भी हमारे दो एंगल है अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो हमारा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए कि एक एंगल हमारा एंगल ए है 60 डिग्री का और एंगल बी है 30 डिग्री का, तो दोनों का अगर हम सम देखें एंगल ए प्लस एंगल बी तो वो कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही अगला जो है हमारा वो है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या चीज है, ए पेयर ऑफ एंगल व्हिच सम ऑफ देयर मेजर इज 180 इज सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा कॉम्प्लीमेंट्री में हमने देखा था कि जो दो एंगल का सम है वो 90 डिग्री है, तो वैसे ही सप्लीमेंट्री में जो है वो दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तब वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें जो पहला एंगल हमारा एंगल है वो 100 डिग्री का है और जो दूसरा एंगल है वो हमारा 80 डिग्री का है, इन दोनों का अगर हम सम देखें तो वो है हमारा 180 डिग्री। तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है तो ये जो एंगल है वो आपस में सप्लीमेंट्री। अब एंगल्स में जो हमारे लास्ट के दो एंगल बचे हुए हैं उसमें से एक है एडजेसेंट एंगल। ये क्या होता है, द टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल है जिसमें दो एंगल्स के एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर हमारे दो एंगल बन रहे हैं, अगर एक एंगल ये बनेगा और दूसरा एंगल ये बनेगा, लेकिन दोनों का जो वर्टेक्स है वो एक कॉमन है, तो हम इसे कहेंगे क्या एडजेसेंट एंगल। और जो हमारा लास्ट एंगल है वो होता है वर्टिकली अपोजिट। ये क्या होता है, द एंगल व्हिच आर अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसके बाद जो एंगल बनता है, जैसे मैं कहते हैं दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है कट कर रही है एक दूसरे को, इसके बाद जो ये अपोजिट जो एंगल होते हैं इसके अपोजिट ये दोनों जो होते हैं यही कहलाते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ बेसिक डिफिनेशन थे और इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और बाकी आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।